मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए सोनीपत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि 33 बड़ौदा उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे, जिसके अंतर्गत 9 से 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है, किंतु निर्वाचन अधिकारी के समक्ष फिजिकली उपस्थित अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 19 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी, जिसके लिए BITS मोहाना को चयन किया गया है। ये जो बाई इलेक्शन वो अनाउंस हो गए हैं और 9 अक्टूबर का इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। 16 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, 17 को स्क्रूटिनी है, 19 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट है, 3 नवंबर को इलेक्शन उसका होना है चुनाव, और डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर है और 12 नवंबर तक जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूर्ण कर ली जानी है। तो जैसा आपको पता है पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं वो लागू है पूरे जिले, मतलब पूरा जिला। जो चुनावी सभाओं के लिए, रैली के लिए और रोड शोज के लिए जो अनुमति है वो बड़ौदा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एरिया के लिए दी जानी है। उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं SDM गोहना वो इसके लिए परमिशन देंगे। जो स्थान थे वो चिन्हित करके कल हमने नोटिफाई भी कर दिए हैं और उन पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति लेनी है तो सुविधा ऐप पहले की तरह ही काम कर। जितने बेल जंपर्स हैं और जो हाई कोर्ट से री अरेस्ट केसेस के अंदर जिनकी अरेस्ट पेंडिंग है उन सबको भी प्रायोरिटी के ऊपर लेते हुए अगले 15 दिन के अंदर हम इनके ऊपर एक स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत इन सबको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।